हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। चलिए बच्चों, उस दिन कक्षा पहली का हमने गिनती सीखा था 1 से 10 तक। ठीक है बच्चों, आज 9 से शुरू करते हैं, हम 20 तक पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। ये देखिए बोर्ड पर कुछ लैंप बने हुए हैं, इन बत्तियों को हम गिनते हैं। चलिए मेरे साथ साथ गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने लैंप हैं? 9। ये देखिए 9 बत्तियाँ, वेरी गुड, शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमने अच्छा काम किया है इसलिए गुड जॉब। ओके बच्चों, हाँ आगे देखिए, बहुत सारे जग, इन जग को गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अभी तक हमने कहाँ तक गिना है? 9 तक। तो 1 से 9 तक ये अंक जो हैं इकाई हैं, सभी इकाइयाँ हैं, माने एक ही अंक है। अब देखिए जैसे ही 10 होता है, 10 जैसे 9 में हम एक मिला दें और एक मिला दें तो क्या होता है? 9 के आगे 10 मिलता है। तो 10 बनता कैसे है? तो 10 देखो, 9 के आगे 10 होता है तो 10, 9 में और एक मिलाएंगे 10। तो इसमें देखो बच्चों, जैसे ही हम 9 से आगे बढ़ते हैं तो 2 अंक का हो जाता है, वो जो संख्या 2 अंक का होता है। उसमें अभी जितने 1 से 9 तक लिखे हैं हम, देखिए इकाई है, सिर्फ एक अंक है, लेकिन हम जैसे ही 2 अंक में पहुँचे उसमें देखो 1 और 0 2 अंकों का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो बड़े बच्चे अगर देख रहे हैं दूसरी तीसरी वाले, तो यहाँ पर समझिए कि 10 इकाइयाँ मिलकर 1 दहाई बनता है। ठीक है बच्चों, हाँ तो इकाई के जगह में 0 हो गया और दहाई के जगह में 1 हो गया। तो यहाँ पर हम समझेंगे, देखिए 10, तो 10 इकाइयाँ मिलकर 1 दहाई बनता है। तो इन्हें हम समूह में रखेंगे, 1 दहाई हो गया, तो दहाई के जगह 1 लिखे, और इकाई में यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसलिए यहाँ 0 लिखेंगे, तो ये 10 हुआ। तो इसे जब 11, 12 पढ़ेंगे तो और आसानी होगा समझने में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखिए स्टिकर उठाने की पारी है। चलिए हम फुटबॉल उठा लें, वाह बहुत सुंदर फोटो। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ें, स्टिकर हमने उठा लिया। अब देखिए बच्चों, बहुत सारे संतरे हैं, इन्हें गिनेंगे। चलिए नीचे से 1, पीछे पीछे गिनिए, 2, गुड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हमने क्या बताया था बच्चों, 10 इकाइयाँ मिलके 1 दहाई बनता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 1 दहाई हो गया। ठीक है, तो दहाई के स्थान पर हम कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और देखो इकाई में अब क्या बच गया, 1, तो इकाई में 1 हो गया और दहाई में 1। ठीक है बच्चों, हाँ तो यहाँ जो पहल इधर दाहिने वाला अंक जो है 1, ये इकाई है, और बायां वाला अंक दहाई है। 1 दहाई माने 10 होता है, तो 10 और 1, 11। तो हम 11 कैसे लिखेंगे, 1, 1। ठीक है, ये हो गया 11, 10 और 1, 11।
वाओ, बहुत सुंदर। चलिए आगे बढ़ें। गुड जॉब, आपने बहुत अच्छा काम किया, बढ़िया पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए। ये देखिए बोर्ड पर किसके चित्र हैं, रॉकेट के। चलिए गिनते हैं इन्हें ऊपर से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखो 10 हुआ तो क्या हो गया, एक दहाई। ठीक है बच्चों, 10 इकाइयां मिलकर एक दहाई बनता है, तो दहाई की जगह में एक लिखे। अब इकाई में क्या बच गया और रॉकेट, 1, 2, 2 बच गया, तो यहाँ 2 लिखेंगे। तो 10 और 2 मिलाकर बनेगा 12। कितना, 12। तो चलिए आगे गिने, 11, 12। तो 10 और 2, 12। तो 12 में 2 इकाइयाँ, 1 दहाई। ठीक बच्चों, आगे चलें। 12 के बाद हमें एक उपहार मिला है बच्चों। वाओ, बहुत सुंदर नाव का चित्र है, हमको गिफ्ट मिला है। चलिए बहुत सुंदर, आगे बढ़ें। वाओ, इतने सारे आम। चलिए आम को गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये 10 हुए, तो यहाँ पर एक समूह बना, 10 इकाई मिलकर एक दहाई होगा, तो 1 लिख दिए दहाई में। अब इकाई में कितना है बच्चों, देखो ये कितना बच गया, और 1, 2, 3 आम, तो इकाई में 3। तो 3 इकाई और 1 दहाई मिलके 13 बन रहा है। ठीक है बच्चों, तो 13, तो ये दहाई में 1 है, इसका मतलब यह है कि 1 दहाई माने 10 इकाइयाँ। देख रहे हो 10 आम हैं, 10 आम और 3 आम मिलके 13 हुए। तो चलिए 11, 10 और 11, 10 दो 12, 10 और 3, 13। वाओ, बहुत सुंदर। चलिए 13 आम, हमने 13 आम गिने। आगे बढ़ें 13 के बाद। वाओ, गुड जॉब, आपने बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ें बच्चों। ये देखिए बहुत सुंदर फूल हैं, इन्हें गिनते हैं ऊपर से। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 फूल, 7, 8 फूल, 9, 10। यहाँ तक देखो बच्चों 10 फूल हुए, तो ये 10 का एक बंडल होगा, तो 10 इकाइयाँ मिलकर एक दहाई हो गया। अब बाकी कितने फूल हैं, 1, 2, 3, 4, 4 फूल और हैं, तो 10 और 4 मिलकर कितने हुए, 14। ठीक है बच्चों, तो चलिए गिने इसके, 11, 12, 13, 14। तो 14 फूल। समझ में आ रहा है ना बच्चों। चलिए अब क्या उठाएं स्टिकर में, चलिए सुंदर सा स्टिकर उठाते हैं। किसका स्टिकर है बच्चों, देखो मछली का स्टिकर। चलिए आगे बढ़ें। वाओ, इतने सारे अंडे, कितने हैं, चलिए गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 अंडे हुए, तो इसे एक समूह बनेगा, ये 10 इकाई मिलके एक दहाई, तो दहाई में 1 हो गया। बच्चा और आगे कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 10 और 5, 15। तो इकाई के स्थान पर 5 हो गया, और 10 इकाइयां मिलकर एक दहाई में, ऐसे हो गया 15। चलिए 15 हुए। ये देखिए 11, 12, 13, 14, 15। बहुत सुंदर, 15 अंडे।
गुड जॉब, बहुत बढ़िया, आपने अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं। ये देखिए अंगूर के गुच्छे हैं, कितने गुच्छे हैं चलिए गिनेंगे इन्हें नीचे से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ देखो बच्चों 10 इकाइयाँ हो गया तो एक दहाई बनेगा, ठीक है। हाँ ये देखिए 10 दहाई इकाइयाँ मिलकर एक दहाई बना। अब देखिए आगे कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 गुच्छे हैं तो इकाई में 6, तो 10 और 6 मिलके क्या हो जाएगा, 16। कैसे हुआ देखो, 10 और 11, 10 और 12, 10 और 3 13, 10 और 4 14, 10 और 5 15, 10 और 6 16। तो इस प्रकार 16 बना बच्चों, 16 अंगूर के गुच्छे हैं। चलिए सुंदर, बहुत सुंदर, अरे उपहार मिला है हमको, रेलगाड़ी का उपहार, बहुत सुंदर लग रहा है बच्चों। चलिए आगे बढ़े उपहार लेते हुए, इतने सारे बॉल क्या हम गिन पाएंगे, चलिए गिने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने हुए, 10। तो इसका एक दही होगा, 10 के आगे 11, 10 दो 12, 10 और 3 13, 10 4 14, 10 5 15, 10 और 6 16, 10 और 7 17 कितने हो गए, 17। 17 गेंदे, वाह सुंदर। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, आपने अच्छा पढ़ाई किया है, बहुत सुंदर, गुड जॉब। चलिए आगे बढ़े बच्चों, आगे देखिए आइसक्रीम, इतने सारे आइसक्रीम, चलिए गिने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 कितने हो गए, 18 आइसक्रीम। तो 18 में 8 इकाइयां और एक दहाई मिलकर 18 बनते हैं। चलिए स्टिकर उठाएं, अरे वाह बहुत सुंदर। चलिए आगे बढ़ें, बहुत सारे सेब हैं, चलिए गिने इन्हें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 इकाइयां मिलकर एक दहाई होगा, तो दहाई के स्थान पर एक होगा, और इकाई के स्थान पर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ बच्चों इकाई में 9 हो गया, तो 9 इकाइयां और एक दहाई मिलकर 19 बनता है। तो 10 और 11, 10 2 12, 10 3 13, 10 4 14, 10 5 15, 10 6 16, 10 7 17, 10 8 18, 10 9 19। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़े बच्चों, 19 सेव, गुड जॉब, बहुत सुंदर। आगे देखें, अभी तक ये देखिए 19 के बाद अब देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 चींटियों का एक समूह बनेगा, 10 इकाई मिलकर एक दहाई हो गया, तो दहाई के स्थान पर एक, ठीक है। तो और देखिए बच्चों, एक आगे देखिए
देखिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। अरे वाह, ये भी दस हो गए, तो दोनों दस दस का तो दो बंडल बन गया। तो पहले हमारा ये एक दहाई था, फिर ये भी एक दहाई हो गया। अब कितने दहाइयाँ हो गई? दो दहाइयाँ हो गई, दो दहाइयाँ। अब देखिए इकाई में क्या है और बचा है चिट्ठी, कहीं नहीं है ना, तो इकाई में शून्य होगा। तो दो दहाइयाँ और शून्य इकाई मिल के कितना बनता है बच्चों? बीस। ये देखो ये दहाइयाँ हैं, एक दहाई और एक दहाई, तो दो दहाई मिलकर बनाएंगे बीस। ठीक है बच्चों? हाँ, तो दस और ग्यारह, दस दो बारह, दस तीन तेरह, दस चार चौदह, दस पाँच पंद्रह, दस छः सोलह, दस सात सत्रह, दस आठ अठारह, दस और नौ उन्नीस, दस और दस मिलकर बीस हुए। तो बीस में शून्य इकाई और दो दहाइयाँ। यहाँ पर देखो दहाइयों का समूह कितना, दो समूह बना था। तो ठीक है बच्चों, ये देखिए यहाँ तक एक समूह बना, अरे एक समूह, तो दस दस के दो समूह बने, तो दो दहाइयाँ। तो बीस में कितना होता है दहाई? दो। देखो दो दहाई है और इकाइयाँ कितने हैं? शून्य है, तो दो दहाई और शून्य इकाई मिलके बीस बनते हैं। तो इस प्रकार संख्या गिनती बनता है बच्चों। आज हमने सीखा कि इकाई दहाइयाँ कैसे होती है, कैसे बनता है संख्या, और हमने गिनती भी सीखा 9 से 20 तक। तो इस प्रकार आप लोग बच्चों अभ्यास करिए, 1 से 20 तक अंकों में शब्दों में गिनिए और लिखिए पढ़िए। बहुत सुंदर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।